हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम ईच वन ऑफ यू। चलिए क्विकली करते हैं कुछ एमसीक्यूज ऑन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम कई बार कर चुके हैं, आज बारी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर करेंगे एमसीक्यूज। फटाफट शुरू करते हैं, आपका बहुत वक्त ना जाया करते हुए क्विकली कंप्लीट कराते हैं आज के एमसीक्यूज, क्योंकि बच्चों अब नजदीक आ चुका है आपके एग्जामिनेशन की डेट। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फोकस्ड रहने की जरूरत है, कहीं पर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिए, कॉन्स्ट्रक्टिव वे में अपनी एनर्जी को फोकस करिए। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। शुरू कर देते हैं अपने लेक्चर। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया, माई नेम इज प्रदीप सिंह, आई एम बायोलॉजी एजुकेटर ड्राइविंग द एजुकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया थ्रू द डिजिटल मोड। ये सारे के सारे क्रेडेंशियल्स जो आप देख रहे हैं हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी, एंड इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट दीज सेशंस आर रनिंग, और आपके लिए ही ये सारे के सारे सेशंस चल रहे हैं। बच्चों डिटेल लर्निंग के लिए प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी जुड़े। जो बच्चे नीट 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं और मेरी गाइडेंस में जुड़ना चाहते हैं, फटाफट ज्वाइन करें प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे नए कोर्सेज आने वाले हैं जो कि 2022 और 2023 एस्पायरेंट्स के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए आप सभी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। जुड़ते ही आप कंट्री के सारे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं। किसी और माध्यम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक चूज करें और यूज करें कोड प्रदीप लाइव। इस कोड को यूज करते ही आप मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल के सफर को तय करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों तो चलिए शुरू कर देते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी हैव अ लुक कौन कौन से बच्चे आए हैं आज के सेशन में, बिकॉज ऑल ऑफ यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द सेशन, तभी तो हम कर पाएंगे एमसीक्यूज। सो योर पार्टिसिपेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्षय वेलकम बच्चे, थैंक यू फॉर द बॉटनिकल गार्डन। मोहम्मद फरहान, खुशी, स्वर्णिमा, विधान, वेलकम, हेलो बेटा। इनम ने भी ज्वाइन कर लिया है। अक्षय, यस आई एम डूइंग गुड ऑल्सो। अब एक वो और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नीट 2021 के बच्चों के लिए रिवीजन कैंप स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसमें मेरा सेशन आपको मिलेगा आज शाम 6:30 पर, और डिस्कस करेंगे हम कंप्लीट एनिमल किंगडम को, वो भी इन अ वेरी प्रिसाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। तो आप सभी को आने की आवश्यकता है, जरूर आइए। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। सुधांशु, थैंक यू फॉर द हार्ट्स। मोहम्मद नदीम, वेलकम बच्चे। सो मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ईच वन ऑफ यू? परफेक्टली क्लियर वॉइस हो तो मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चंस। यस सुधांशु, थैंक यू। मोहम्मद फरहान, आजमी, स्वागत है। हार्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं आपके द्वारा, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। चलो तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सिरशो वेलकम, वंदना स्वागत है बच्चे, फटाफट आंसर कीजिए, पहला प्रश्न आ चुका है। सो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। गार्ड सेल्स को सराउंड करके स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दे दिया है, दे आर द सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, सब्सिडियरी सेल्स गार्ड सेल्स के साथ साथ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर लूजली अरेंज सेल्स जो कि लेंटिसेल पर देखने को मिलते हैं, जहां पर लेंटिसेल्स बनते हैं क्रैक्स, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आते हैं, उसी जस्ट गैप के नीचे जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। लेंटिसेल्स तो आप जानते ही हैं, बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में भी आप जानते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न का जो स्टार्टर क्वेश्चन है आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेलेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम, फेलेम कहां से बनता है? कॉकैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम या जाइलम? फेलेम कहां से बनता है? सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर टू एंड लेट्स हैव अ लुक हु इज कैपेबल ऑफ गिविंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कौन से बच्चे दे पाते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ये बहुत जरूरी है। तो फेलेम कहां से बनता है? लेट मी हैव अ लुक। आंसर तो तेजी के साथ आ रहे हैं, बट बच्चों आर यू कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर आंसरिंग? कॉन्फिडेंट हैं? ये बहुत जरूरी बात है। चलिए अब मैं देखता हूं किसने किसने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया। तो सबसे पहले अक्षय ने करेक्ट आंसर दिया, वंदना ने दिया जरूर था करेक्ट आंसर बट डिलीट कर दिया, कॉन्फिडेंस नहीं था। आजमी, शीर्षो, स्वर्णिमा, फिर वंदना ने दोबारा दिया और फिर कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दिया। बड़े मजेदार गलत आंसर आ रहे हैं, राइट। मोहम्मद फरहान, कैसे है वैस्कुलर कैम्बियम? पूजा, फ्लोएम, फ्लोएम से कुछ बनता है वैसे, सुना आपने, अलग से कुछ बनता है क्या? सो व्हाट इज फेलेम? द क्वेश्चन इज व्हाट इज फेलेम? बच्चों फेलेम कॉर्क का दूसरा नाम है। तो कॉर्क का फॉर्मेशन कहां से होता है? कॉर्क कैम्बियम से होगा। कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, सीधी सी बात है। दिस इज द राइट आंसर, फेलेम यानी कि कॉर्क। ये टर्म आपको, हाँ, शीर्षों ने कल ही पढ़ा था, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। मोनोकॉट लीव्स पॉसेस, मोनोकॉट लीव्स में क्या पाया जाता है? इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से क्या पाया जाता है मोनोकॉट की लीफ में? व्हाट डू वी गेट इन द मोनोकॉट लीव्स? तो सारी बच्चों की तैयारी है, मुझे लग रहा है पूरी तैयारी करके आए हो। आजमी, वंदना, अक्षय, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है भाई, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं मोनोकॉट की लीफ में। मोनोकॉट यानी कि ग्रासेस की पत्तियां अगर बीच में से डैमेज भी हो जाएं, कट भी जाएं, तो वो साइज में ग्रो करती हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ यू नो, सबने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक, मतलब प्रोटोप्लाज्म की डेथ होनी चाहिए तभी जाकर के इनमें से कोई एक फंक्शन हो सकता है, विच इज दैट फंक्शन? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। सो डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ प्री रिक्विजिट, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की डेथ होना आवश्यक है इनमें से किसके लिए? क्वेश्चन नंबर फोर, सोच में पड़ गए हैं बच्चे कि ये कैसा प्रश्न आ गया है। अरे भाई, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि इनमें से कोई कार्य होने के लिए डेड सेल्स की आवश्यकता है, और किस कार्य को करने के लिए डेड सेल्स की आवश्यकता पड़ती है? लेट मी हैव अ लुक। एंड द गुड थिंग इज, इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले खुशी ने ही दिया है। So, खुशी has given the correct answer to this question. No one else could give. देखिए बच्चों, transport of sap, sap का मतलब होता है कि जो water absorb होता है और वो कुछ ना कुछ minerals के साथ associated होता ही है. So that makes the sap. और sap किसके through flow करता है? Xylem के through flow करता है. ये आप जानते हैं अच्छी तरह से. तो transport of sap. अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे absorption of water. बच्चों water के absorption के लिए डेड सेल्स की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट डेड सेल्स तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर भी नहीं पाएंगे मोस्ट एफिशिएंटली। प्लांट के रूट्स में अगर आप देखें, रूट हेयर और दो तरह का मूवमेंट, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट मूवमेंट, इसमें लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नॉट द डेड सेल्स। जब वाटर की लेयर एंडोडर्मिस को क्रॉस करती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बियॉन्ड जाती है, तब जाकर के जाइलम मिलता है। तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में डेड सेल्स की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, पेरिसाइकल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस, पेरिसाइकल क्या प्रोड्यूस करते हैं? और पेरिसाइकल होता कहां है? एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर।
प्लांट के रूट्स में जो एंडोडर्मिस की लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई दैट इज क्वाइट इम्परवियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन लाइक सब्सटेंसेस, कैस्पेरियन स्ट्रिप वहां पर पाई जाती है ना। तो उस एंडोडर्मिस के जस्ट निचली लेयर, उसके जस्ट नीचे पेरिसाइकल होता है, और पेरिसाइकल क्या प्रोड्यूस कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लैटरल रूट प्रोड्यूस करता है, वैस्कुलर बंडल प्रोड्यूस करता है, एडवेंटिशियस बड्स प्रोड्यूस करता है। व्हाट इट प्रोड्यूसेस, वेलकम खुशी, और आपने फिर इस बार करेक्ट आंसर दिया है, वेरी नाइस, एंड एवरीवन एल्स हैज गिवन द करेक्ट आंसर, सौम्या, वंदना, शीर्षो, स्वर्णिमा, सभी ने करेक्ट आंसर, आजमी करेक्ट आंसर, लैटरल रूट्स। प्लांट में जो पेरिसाइकल है वहां से जब डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है तो वहीं से लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। विकास, ये डिसाइड आप कर सकते हैं, यू आर ओनली ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो आप उतना ही लेट हुए हैं जितने में चार क्वेश्चन जा चुके हैं, ठीक है, इससे ज्यादा लेट नहीं हुए। और एक कहावत है ना अंग्रेजी में, यू आर नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा, है ना, यू आर नेवर टू लेट, तो कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो बहुत लेट हो गया, नॉट एट ऑल। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ के लिए इन बातों में जो बातें लिखी हुई हैं स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ, हैव अ लुक, मोनोकॉट लीफ के लिए कौन सी बात सही है ना विकास, दैट्स राइट, चलो फटाफट आंसर करिए। मोनोकॉट लीफ के मद्देनजर कौन सी बात सही है, रेटिकुलेट वेनेशन, एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज, वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफिल, व्हिच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स आ चुका है, क्विकली आंसर। सबसे पहले शीर्षो ने करेक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, बिफोर दैट नो वन एल्स कुड गिव द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में अश्वानी वेलकम, सबसे पहले शीर्षो ने ही करेक्ट आंसर दिया है, आजमी अंसारी ने करेक्ट आंसर दे दिया है। बच्चों देखिए बड़ी सिंपल सी बात, मोनोकॉट लीफ के लिए कौन सी बात सत्य है, रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता है मोनोकॉट में, पैरेलल वेनेशन होता है, एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, गलत बात है, अपर एपिडर्मिस में लीफ में बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं जो पत्तियों को, अब आगे नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर सारी बात समझ जाएंगे, तो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं मोनोकॉट में, मीजोफिल मतलब बुलिफॉर्म होते हैं, यहां एब्सेंस लिखा तो गलत है, मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज, बिल्कुल सही बात है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्ती में ऊपर की जो लेयर होती है अपर एपिडर्मिस में, वहां पर पैलिसेड पैरेन्काइमा जो एक तरह का मीजोफिल है, और दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, है ना, तो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज में डिफरेंशिएटेड रहता है, लेकिन मोनोकॉट में ये अलग नहीं होते हैं, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस, मोनोकॉट में इनफैक्ट बंडल शीट सेल्स का काफी ज्यादा रोल हो जाता है। तो दिस इज द राइट थिंग अबाउट अ मोनोकॉट लीफ, वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफिल, वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफिल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मीजोफिल डिफरेंशिएटेड किसमें होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी डाइकॉट में। चलिए नेक्स्ट, ए बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कौन से वैस्कुलर बंडल को हम बाइकोलैटरल कहते हैं, व्हाट इज राइट अबाउट इट, यस अश्वानी नमस्ते, क्वेश्चन नंबर सेवन आ चुका है, आंसर करें आप लोग फटाफट। बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहां पर दी गई कौन सी बात सही है, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है इंजमाम ने और वंदना ने और सीडशो ने, इन तीन बच्चों ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दे दिया है। बाइकोलैटरल वास्कुलर बंडल में जाइलम होता है बीच में और दोनों तरफ फ्लोएम रहता है, सो जाइलम इज प्लेस्ड सेंट्रली विथ फ्लोएम ऑन बोथ द साइड्स, स्वर्णिमा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, तो इस तरह के ये बड़े सिंपल प्रश्न है, बाइकोलैटरल वास्कुलर बंडल ये आपको पता होना चाहिए कि जाइलम होता है बीच में दोनों तरफ फ्लोएम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरिड, स्क्लेरिड के बारे में कौन सी बात गलत है, विच इज नॉट ट्रू,
स्क्लेरिट के लिए कौन सी बात सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, क्या बात है। इंजुमाम, सीर्सो, अश्वानी, अक्षय, खुशी सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया है। दीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स, ये इनकरेक्ट है। दीज आर डेड सेल्स, बाकी सारी बातें इनके लिए सही हैं। तो स्क्लेरिट की डेफिनेशन आपको बी, सी और डी नामक स्टेटमेंट से मिल गई। दीज आर फाउंड इन नटशेल, गुआवा पल्प, पियर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स, देर आर टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा अलॉन्ग विद फाइबर, है ना। ये एक टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है फाइबर के साथ, डेड सेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हर चीज के बारे में जानकारी लेते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें से कौन सा नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है मैच्योरिटी में, न्यूक्लियस मिसिंग हो जाता है। At maturity, which of the following is non-nucleated? कौन सा non-nucleated है maturity के time पर? अब इसमें mixed answers आ रहे हैं, but correct answer सबसे पहले तबस्सुम ने दिया है। Yes, तबस्सुम के बाद आजमी अंसारी, खुशी, पूजा, शीर्षो, है ना। इतने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी बच्चे भटक गए हैं। बच्चों देखिए, मैच्योरिटी में नॉन न्यूक्लिएटेड, भाई सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बारे में कौन नहीं जानता है। तो सीव सेल, वैसे तो इस ऑप्शन में सीव सेल भटकाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि सीव सेल बच्चों जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं यूजुअली, बट हम कई जगहों पर उसको एक जैसे ही यूज कर लेते हैं, है ना। सीव ट्यूब एलिमेंट एक्चुअल होना चाहिए, सीव ट्यूब एलिमेंट जिसमें मैच्योरिटी के टाइम पर न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता है। और कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा उसको हेल्प किया जाता है, नाम इसीलिए पड़ा कंपेनियन सेल। तो यहां पर ऑप्शंस में दिस इज नियरेस्ट आंसर, है ना, सीव सेल दिया हुआ है तो दिस इज नियरेस्ट आंसर। एक्चुअल टर्म होना चाहिए था सीव ट्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड, एक्सिलरी बड समझते हैं ना, एक्सिलरी बड जो लीफ के एक्सिल में आती है, और टर्मिनल बड जो स्टेम के टिप पर आ जाती है। ये दोनों के दोनों कहां से डिराइव करती हैं अपनी एक्टिविटी, विच इज द सोर्स ऑफ देयर एक्टिविटी, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम या फिर पैरेन्काइमा, विच इज द सोर्स ऑफ देयर एक्टिविटी। वेरी गुड, सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले करेक्ट आंसर इंजमाम ने दिया, सचिन, तेजस्वी, तेजस्वी के बाद करेक्ट आंसर दिया है ईमान ने, ईमान के बाद आजमी, अक्षय, पूजा, खुशी, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया, स्वर्णिमा, है ना, और भी काफी बच्चे, विकास ने भी करेक्ट आंसर कर दिया है, यस दैट्स राइट, अभिषेक, वेरी नाइस, शीर्षो, तबस्सुम, है ना, पूजा, वेरी गुड। सो एपिकल मेरिस्टम से ही आते हैं, तो टर्मिनल बड तो 100% एपिकल मेरिस्टम। आपने देखा होगा कि जब एपिकल एरिया ग्रो कर रहा होता है एपिकल मेरिस्टम, तो वो साइड में जो पत्तियां हैं, पत्तियों के नॉचेस में भी छोटे छोटे बड्स को लेटेंट कंडीशन में छोड़ देते हैं, वही चल करके एक्सिलरी बड्स बनते हैं। सो ओरिजिन कहां से है? ओरिजिन इज ऑफकोर्स फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पाई जाती हैं, इनमें से किस में पाई जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरिडर्म, एंडोडर्मिस, कहां पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट आंसर एक बार में ही दे दिया है। बच्चों इस प्रश्न को तो हमने डिस्कस भी किया, तेजस्वी एपिडर्मिस नहीं है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, ठीक है, जिसके नीचे पेरिसाइकल के बारे में भी हमने चर्चा किया, जहां से सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, जो ब्रांचेस निकलती हैं। तो इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया था अभी कुछ प्रश्नों पहले ही, फिर भी गलती कर रहे हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस, और इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस की वजह से वॉटर का मूवमेंट एफिशियंटली हो पाता है।
दो तरह के मूवमेंट एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट यहां आकर के मर्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये सारा मैकेनिज्म हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें लेकिन काम की। नेक्स्ट, द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। एल्यूरोन लेयर जो पाई जाती है मेज में, वो इनमें से कौन से पदार्थ में सबसे ज्यादा रिच है? अर्चना वेलकम। बच्चे 25 क्वेश्चन है ऑल टुगेदर, ठीक है। यस, दैट्स राइट, इट्स प्रोटीन। सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया। एल्यूरोन लेयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन की ही प्रेजेंस होती है, सो इट्स द प्रोटीन। मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। एपिकल मेरिस्टेम, रूट का एपिकल मेरिस्टेम कहां होता है भाई? ये आपको समझना पड़ेगा, कौन कौन सी जगहों पर हो सकता है, कहां होता है स्पेसिफिकली। एपिकल मेरिस्टेम की बात हो रही है, और किसी मेरिस्टेम की नहीं। ऑफ द रूट इज प्रेजेंट वेयर? अक्षय 25 टोटल, जरा फास्ट करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन लिख करके आंसर करना शुरू करें। वेरी गुड, तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, लेकिन कुछ सही कुछ गलत है ना। तो सही और गलत को मिक्स करके आप लोग आंसर दे रहे हो। सही सही आंसर करो भाई बच्चों। चलिए देखते हैं किसने किसने करेक्ट आंसर किया। हिरणमोय दत्ता, सुधांशु, शीर्षो, बहुत ही बढ़िया। इशिता, स्वर्णिमा, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो बच्चों कोई भी रूट हो, प्रगति करेक्ट, खुशी, 25 ए लिख देने से आंसर सही नहीं हो जाता है ना। ठीक है सुधांशु, बिल्कुल स्पेशल क्लास में ली जाएगी। ओके, सो स्पेशल क्लास में एनटीए के ऊपर सेशन करेंगे, डोंट वरी। एपिकल मेरिस्टेम भाई, रेडिकल जो निकल रहा है उसमें तो होगा ही, टैप रूट जो है उसमें भी होगा, एडवांटेजियस रूट जो निकल रहे हैं उनमें भी तो टिप होगी, ग्रोथ तो उनमें भी हो रही है। सो रूट में ग्रोथ ही होती है एपिकल मेरिस्टेम से, इन ऑल द रूट्स। दिस इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द, क्लोरेनकाइमा कहां देखने को मिलता है? क्लोरेनकाइमा, तेजस्वी वेलकम, चलो फटाफट आंसर करो। क्लोरेनकाइमा इनमें से कहां डेवलप होता है? क्लोरेनकाइमा समझते हैं ना, क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। So where is it possible? बच्चों सिंगल सेल्ड की अगर आप चर्चा करें, जैसे कि ज्यादातर बच्चे क्लोरेनकाइमा तो क्लोरेला नाम अच्छा आपने मिक्स कर लिया, क्लोरेनकाइमा और क्लोरेला। अरे भाई क्लोरेनकाइमा इट्स अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा जिसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। अब ये सिंगल सेल जो है इसके साइटोप्लाज्म में अलग से कहां से आ जाएगा क्लोरेनकाइमा? क्लोरेनकाइमा इज अ टिश्यू, और टिश्यू एक सिंगल सेल में नहीं पाया जाता, तो आप कैसे कह सकते हैं? माइसेलियम ऑफ ग्रीन मोल्ड, मोल्ड चाहे ग्रीन हो ब्लू हो कुछ भी हो, फंगस में नहीं पाया जाता है, कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉलन ट्यूब ऑफ पाइनस, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है पाइनस के कोन में, वहां पर भला क्या काम है क्लोरेनकाइमा का? पॉलन ट्यूब ने कौन सा फोटोसिंथेसिस करना है? सो इट इज द स्पोर कैप्सूल ऑफ द मॉसेस, मॉसेस का जो स्पोर कैप्सूल आता है स्पोरोफिटिक जनरेशन में, जिस स्पोर कैप्सूल के निचले पार्ट को एपोफाइसिस कहते हैं, जहां पर हम सबसे पहले स्टोमाटा को भी देखते हैं, है ना, तो वहीं पर पाया जाता है क्लोरेनकाइमा। समझ में आ गई बात? चलो अगला प्रश्न, एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड, काफी पुराना, डाइकोटिलेडनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डाइकोटिलेडनस स्टेम। काफी पुराना, काफी ओल्ड प्लांट है,
ओल्ड डाइकोटिलेडनस प्लांट के रूट और स्टेम को किस आधार पे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट किस आधार पर किया जाता है, व्हाट इज द लॉजिक टू डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, देखें और बता दें। इसमें भी मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब एनाटॉमी में हाथ तंग है क्या? कल तो सेशन में बहुत बढ़िया कर रहे थे आप सभी, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा था और जैसे ही आया एनाटॉमी, मुझे लगा कि भाई हर टॉपिक में आपकी बराबर तैयारी होगी और आप लोगों ने गड़बड़ करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बच्चों ने सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 15 का। शीर्षो ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, अर्चना करेक्ट, वंदना, इशिता, ईमान, इसके अलावा विकास ने भी करेक्ट आंसर किया, हिरणमय दत्ता, स्वर्णिमा, ऐशिका, है ना, सचिन ने भी करेक्ट आंसर कर दिया। बच्चों पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है एंडार्च कंडीशन, या प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है एक्सार्च कंडीशन, यही दो कंडीशन को देख करके रूट और स्टेम को हम डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेम में एंडार्च और रूट में एक्सार्च कंडीशन हमें देखने को मिलता है, तो यही है डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्टेम एंड रूट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर, बार्ली की स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे हुआ करते हैं? बार्ली के स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? चलिए कुछ बच्चों ने सही आंसर तो किया है, तो कौन कौन से बच्चों ने सही आंसर किया है जरा हम वो भी देख लें। सबसे पहले करेक्ट आंसर किया शीर्षो ने, शीर्षो के बाद करेक्ट आंसर खुशी ने किया है, बस दो ही बच्चों ने अब तक करेक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए लॉजिक क्या है इसमें, बार्ली क्या चीज है, बार्ली इज अ मोनोकॉट और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, तो वैस्कुलर बंडल स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, तो वैस्कुलर बंडल जो होंगे वो क्लोज टाइप के होंगे, जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होगा। दूसरा, कैम्बियम नहीं है तो वो एक रिंग के फॉर्मेट में भी अरेंज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें तो कैम्बियम है ही नहीं, तो कैम्बियल रिंग की बनने की फॉर्मेशन की संभावना नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं। तो पहली बात तो ये कि क्लोज्ड होंगे वैस्कुलर बंडल, और दूसरा मोनोकॉट के स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल, एक किसी रेडियस में नहीं फिक्स होते हैं। सो दिस द राइट आंसर। भाई ओपन एंड स्कैटर्ड ये कैसे हो सकता है, ओपन है और स्कैटर्ड है, तो ये ऐसा तो लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होगा उसके ओपननेस का, है ना प्रियम? कोई बात नहीं बच्चों, देखिए मेरा फोकस इस पर नहीं है कि कौन कितने सही कर रहा है, मेरा फोकस इस बात पर है कि आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। सो इफ यू आर लर्निंग समथिंग, माई पर्पस इज सॉल्व्ड। करेक्ट आपको सब करने हैं सही नीट के एग्जाम में जाकर के, अभी आप चाहे जितनी गलतियां कर सकते हैं लेकिन सीखते रहिए। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज, कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शन है, कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन है, ध्यान से देखें और बता दें। हालांकि हमने इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, फंक्शंस ऑफ कंपेनियन सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात है नहीं कि आप ना कर पाए, बट फिर भी आप देखें क्वेश्चन को और कर दीजिए आंसर। चलो अभी भी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के द्वारा, करेक्ट आंसर किसी भी एक बात पर नहीं फिट हो रहे हैं आप सभी। चलिए चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद ही मार्क करेंगे। कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल होता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों कंपेनियन सेल का एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं है, उस कार्य को ही करने का काम है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। हाउ कैन अ कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, बट इन फैक्ट इट डज टेक पार्ट इन द प्रोसेस।
प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, नॉट एट ऑल. लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट गलत है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है. फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट, सीधी सी बात लिखी हुई है, दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. कंपेनियन सेल का ये करेक्ट फंक्शन है, ठीक है. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं, कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और कंपेनियन सेल एक्टिव लोडिंग के लिए हेल्प करता है सीव ट्यूब की, ठीक है. बस इतनी सी बात है. नेक्स्ट, सम वैस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज. ओपन क्यों कहते हैं भाई, कुछ वैस्कुलर बंडल को ओपन है, क्लोज्ड है, ऐसा क्यों कहते हैं? वाई सम वैस्कुलर बंडल आर सेड टू बी ओपन, ओपन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, वेरी नाइस. पीईएस फुटबॉल, प्रियम करेक्ट आंसर है. वंदना, हिरणमय करेक्ट आंसर. इशिता, वेरी नाइस. सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम. सीधी सी बात है, जो वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम रहने की वजह से उनको ओपन कहा जाता है, ठीक है. दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स के बारे में कौन सी बात सत्य है? सिरसो का प्रश्न है, सी क्यों नहीं पिछले वाले में. पोसेसेस कंजक्टिव टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. कंजक्टिव टिश्यूज नहीं होते हैं बच्चों, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, ठीक है, और वो भी बाइकोलैटरल ओपन में. जरूरी नहीं है कि बाइकोलैटरल ओपन ही होगा, या कोलैटरल ओपन भी अगर है तो भी, है ना, बीच में तो जो आएगा वो तो आप जानते ही हैं, कैम्बियम की आवश्यकता होती है. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रश्न में ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है, नहीं इसमें भी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. चलिए एक बार देखते हैं, बंडल शीथ सेल्स करते क्या है. बंडल शीथ सेल्स मोनोकॉटलीफ में देखने को मिलते हैं, तो मोनोकॉटलीफ में जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके पास पेपकेज होता है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, रूबिस्को नहीं होता है. सो बंडल शीट सेल्स में रूबिस्को होता है, क्योंकि बंडल शीट सेल्स में ही डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है. सो दे आर रिच इन रूबिस्को. जस्ट ऑपोजिट है, बंडल शीट सेल्स में जो कार्य होता है और जो मटेरियल, जो एंजाइम्स प्रेजेंट, उसके विपरीत है मीजोफिल सेल्स में. तो मीजोफिल सेल्स सबसे पहले फिक्स करता है ना. चलो जी, वेरी नाइस. नेक्स्ट, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ. कॉमन बॉटल कॉर्क, बॉटल स्टॉपर, बॉटल कॉर्क जो यूज होता है, ओक ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है वो. जिस कॉर्क को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था अपने बनाए माइक्रोस्कोप से, उसी कॉर्क की बात हो रही है. एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच वन. वेरी नाइस. पीईएस फुटबॉल, अंसारी, आजमी अंसारी, इशिता, सीडशो, वंदना, सताक्षी, क्या बात है, मुस्कान, अर्चना, स्वर्णिमा, ईमान, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया. बच्चों देखिए, फेलोजेन यानी कि कॉर्क कैम्बियम, और फेलेम यानी कि कॉर्क. सो फेलेम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फेलोजेन, ठीक है. कुछ क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस भी किया था, तो वही बात आ गई यहां पर. लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, लेंटिसेल किस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं? What are the lenticels involved in? Lenticels are involved in. Very nice. सबने करेक्ट आंसर दे दिया. Gaseous exchange. Lenticel ना तो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं ना photosynthesis, gaseous exchange करते हैं. Next. Which of the following is not a part of epidermal tissue system? Epidermal tissue system का part कौन सा नहीं है? Which is not a part of epidermal tissue system? Epidermal tissue system का part कौन सा नहीं है?
वेरी नाइस, ईच वन ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट। कंपेनियन सेल सीफ ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल हैं, जाहिर सी बात है सेंट्रली लोकेटेड हैं, बाहर की तरफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ट्राइचोम्स जो हेयरी आउट ग्रोथ होता है, रूट हेयर रूट में, ट्राइचोम स्टेम में, गार्ड सेल्स पत्तियों में, तो ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। बट कंपेनियन सेल इज नॉट अ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो कंपेनियन सेल कहां पर आते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है उसका पार्ट है, इवन नॉट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीन तरह के टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस किए। द स्कुटेलम ऑफ मेज इज द, मेज में जो स्कुटेलम होता है वो क्या चीज है, व्हाट इज द स्कुटेलम ऑफ मेज। क्वेश्चन नंबर 23, गुड, सब ने करेक्ट आंसर दे दिया है एक ही साथ यूनानिमसली। भाई स्कुटेलम इज अ सिंगल कॉटिलीडन, एक अकेला मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलीडन होता है, उसको स्कुटेलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एंडोस्पर्म के ऊपर एल्यूरोन लेयर होता है, राइट। चलिए, और टेस्टा और टेगमेन फ्यूज्ड रहते हैं, कैरियोप्सिस में फ्यूज्ड देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, टाइलोजेस आर, टाइलोजेस क्या है, व्हाट आर टाइलोजेस, ये बता दीजिए टाइलोजेस क्या है और क्या करते हैं। स्वर्णिमा कल स्पेशल क्लास है आप लोगों के साथ शाम को 6:30 बजे, आज भी है स्पेशल क्लास, कल भी है स्पेशल क्लास, और कल स्पेशल क्लास जो शाम 6:30 बजे है उसमें हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कंप्लीट, इन एन आवर कॉन्साइज वे में प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे, और आज इन एन आवर एनिमल किंगडम को कंप्लीट करेंगे कॉन्साइज वे में। तो आज शाम 6:30 बजे आप सब जरूर आइए, एनिमल किंगडम का डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। तो टाइलोसिस बच्चों एक बलून टाइप की ग्रोथ है जो पैरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। कभी कुछ इंफेक्शन हो जाए या वाटर का लॉस हो जाए, नेक्रोसिस होता है, तो इंफेक्शन आगे ना फैले इसलिए टाइलोसिस उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। So what is the correct option out here? Wound healing secretion, not at all. Wound की healing नहीं हो रहा। Responsible for plugging the lumen of the vessel. बिल्कुल सही बात है। Vessels के lumen को plug कर देते हैं ताकि वहीं पर मामला jam हो जाए, आगे infection ना फैले। इस वजह से tylosis का formation होता है, ठीक है। हाँ जी, revise a thorn की ही बात मैं कर रहा हूँ सताक्षी। मैं दो चैप्टर करा रहा हूं इस रिवाइज़ेथॉन में, इतने सारे एजुकेटर्स हैं आप समझ सकते हैं, और चैप्टर तो 38 ही है ना, और एजुकेटर काफी सारे हैं, तो मैं दो चैप्टर आप लोगों को कराऊंगा। एक है एनिमल किंगडम, आज कराऊंगा 6:30 बजे, और कल है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये दो चैप्टर मैं कराऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स इज, बुलीफॉर्म सेल्स क्या कार्य करते हैं। It's an outgrowth from parenchyma. It is not a fiber. Tylosis not fiber. Balloon-like outgrowth. Shubhodeep, they are balloon-like outgrowth जो form होते हैं parenchyma से, और वो xylem के अंदर के passage को block कर देते हैं। Let's have a look. क्या है ये? इसका सही answer लगभग सभी बच्चों ने कर दिया है। अर्चना ने तो बहुत प्यारे 3 भेजे हैं। क्या बात है? So let's have a look. है ना, सिर्फ 38 चैप्टर थी है। आजमी अंसारी करेक्ट आंसर है, वंदना करेक्ट आंसर है, अर्चना का आंसर करेक्ट है, सताक्षी करेक्ट है, स्वर्णिमा, इशिता, ठीक है, ईमान, एंड देन शुभोदीप का भी आंसर करेक्ट है, हिरण्मय दत्ता करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, दोपहर के टाइम पे पत्ती ऐसे हो जाती, मोनोकॉट कैसे नैरो हो जाते, ये बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से। So they reduce the rate of transpiration, that is what they do. ठीक है, ये तो थे 25 क्वेश्चन। अब सुन लीजिए हमारी जो revise-a-thon सेशन स्टार्ट हो रहा है उसका क्या लॉजिक, मतलब सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। उससे भी पहले आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूं
कल किस चैप्टर का टेस्ट है? बच्चे कल टेस्ट वाला सेशन नहीं है, थ्योरी सेशन है, ठीक है। देखिए अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप ही के लिए है इन्फॉर्मेशन, 21 वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज 28 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको मेरे भी क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में हो रहा है 28 अगस्त से, एनरोल फॉर फ्री, ठीक है। इन मॉक टेस्ट को हमने तैयार किया है आपके लिए, अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक प्रेडिक्टर सेशन रहेगा साथ में, वीडियो सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन। तो जो मेरे क्वेश्चन है उनमें मेरा वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट विथ क्वेश्चन लेवल एनालिसिस, ठीक है। मॉक टेस्ट क्यूरेटेड इन लाइन विद द लेटेस्ट नीट यूजी एग्जाम पैटर्न, तो इसको मिस नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एनरोल करते हैं। ये रहे टेस्ट के ड्यूरेशन, August 28, September 1, September 4, August, September 7, September 9, और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। इस कोड के साथ आप इसके साथ एनरोल हो जाइए, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अब बात करते हैं रिवाइजेथॉन, ऑल इंडिया रिवीजन कैंप फॉर नीट 2021, ठीक है। तो इसमें मैं भी शामिल हूं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 13 डेज रिवीजन बूस्टर, 21 अगस्त यानी आज से ही स्टार्ट है, ठीक है, आज से ही स्टार्ट है। एंड आज मेरा सेशन जो है वो 6:30 बजे शाम को है, सो माई सेशन हियर इज एट 6:30 PM टुडे, ठीक है। और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ एनिमल किंगडम, आज एनिमल किंगडम करेंगे, ठीक है, और कल करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 6:30 बजे, दिख गया ना टाइम, बस ये। तो ज्वाइन कर लीजिएगा रिवाइजेथॉन सेशन के लिए। अब चर्चा करते हैं न्यू आइकॉनिक फीचर्स जो हैं आ चुके हैं, और वो भी नीट 2022 और 2023 के बच्चों के लिए। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव मेंटोरिंग सेशन, फिजिकल नोट्स, प्लस यू गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस। प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं, ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स। यू कैन कनेक्ट विद द मेंटोर्स टू गेट ऑन ऑडियो कॉल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। करना क्या है आपको, लाइव मेंटोरशिप का ऑप्शन यहां पर है, सिलेक्ट करिए अपना सेशन टाइप, पिक योर सब्जेक्ट, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, डेट सिलेक्ट करिए, और नोट्स छोड़ सकते हैं आप मेंटोर्स के लिए जिस विषय पर आपका डिस्कशन है, सो दे विल ऑलरेडी नो, है ना। सो एंड देन कन्फर्म द सेशन, सेशन कन्फर्म कर दीजिए, अपने सारे डाउट क्लियर करिए, ये आइकॉनिक पर फीचर्स हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स भी मिल रहे हैं आइकॉनिक पर भी और प्लस पर भी। आइकॉनिक के 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको हार्ड कॉपी भी मिल रही है, बाकी बच्चों को प्लस लर्नर विल आल्सो गेट इन ऐप नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये रहे डिफरेंट ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक के, अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करिए और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। जब भी जुड़ना हो, मेरे बैचेस फॉर 2022 और 2023 नेक्स्ट मंथ से नए बैचेस आ रहे हैं, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ से जो नए बैचेस आ रहे हैं उनमें भी एनरोल कर लें, फटाफट जुड़ें। ये रहे प्लस के सब्सक्रिप्शंस, प्लस के सब्सक्रिप्शन के भी ड्यूरेशन 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। अब इसमें क्या है कि जो जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन होता है उतना अधिक कॉस्ट इफेक्टिव, तो अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करें। नाउ You can also chase your NEET UG dream from financial assistance from Unacademy, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या है, कॉल ऑन द नंबर 8100866666 मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 7 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हैं फॉर NEET 22 एंड 23 aspirants। तो बच्चों अब फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कहीं आपको और डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आपकी अपनी अनअकैडमी इज देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस। ये अभी रिसेंटली स्टार्टेड बैचेस हैं, बाकी नए बैचेस और भी आने वाले हैं और प्रीवियस बैचेस भी चल रहे हैं, उन सबके साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट, इंडियाज बिगेस्ट वीकली ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर नीट यूजी एस्पायरेंट, हर संडे 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। यूज करें कोड प्रदीप लाइव।
आपकी रैंक अगर 1-3 आती है तो आपको 1 ईयर का नीट यूजी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। रैंक 4-10 के एस्पायरेंट्स को 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11-50 के एस्पायरेंट को 50% स्कॉलरशिप, रैंक 51-150 को 25% स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप ना भी मिले कभी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो ये बहुत जरूरी है। एंड दिस कोड इज एप्लीकेबल फॉर सो मेनी डिफरेंट फीचर्स। अब उन बच्चों के लिए जिनको आइडिया नहीं है, जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अब तक इंस्टॉल नहीं किया, बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने का मतलब ये नहीं कि आपको सब्सक्रिप्शन ही ज्वाइन करना है, इट्स नथिंग लाइक दैट। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, करेक्ट कैटेगरी नीट यूजी चूज करिए और उसके बाद अनलॉक करिए जो डिफरेंट फ्री प्रोडक्ट्स भी हैं यूजिंग द कोड प्रदीप लाइव। जैसे ही आप एक बार अनलॉक कर लेते हैं, यू सी न्यूमरस स्पेशल क्लासेस, हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी बीन टेकन बाय द ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। उन सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इट्स नथिंग दैट कि आपको तुरंत ही प्लस सब्सक्रिप्शन, हाँ डिटेल लर्निंग के लिए जो बैच कोर्सेस चलते हैं आप उनके साथ एनरोल होना चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी कॉम्बैट, इन सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस करें। मेरी स्पेशल क्लासेस एवरीडे 6:30 PM पर होती है, आज भी है स्पेशल क्लास शाम 6:30 PM एनिमल किंगडम पर डिस्कशन करेंगे और कल भी है स्पेशल क्लास शाम 6:30 PM एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है जरूरी, यूज करें कोड प्रदीप लाइव फॉर ऑल फ्री एंड पेड प्रोडक्ट्स। दीज आर इंडियाज नंबर वन बेस्ट नीट यूजी चैनल, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल, सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट। हर एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक को जरूर करिए, परफेक्शनिट द परफेक्ट चैनल टू टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वाया दीज URL ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अनलॉक करने के लिए यूज करें कोड प्रदीप लाइव। तो बच्चों जैसे ही सेशन समाप्त होता है मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करता हूं टेलीग्राम चैनल पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू।